तो अभी हमने तो ये एक्यूरेट एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस ये तो पढ़ लिया हमने। अच्छा अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेट इनकम और प्रीपेड इनकम। अच्छा देखिए एक्सपेंस जो होते हैं वो पे करने वाले के लिए एक्सपेंस होता है और रिसीव करने वाले के लिए इनकम हो जाती है ना। अच्छा इसी तरह से अगर एक के रिसीवेबल हैं तो दूसरे के लिए पेबल्स होते हैं और एक के पेबल्स दूसरे के रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि एक के एसेट है तो दूसरे की लायबिलिटी, एक की लायबिलिटी है तो दूसरे के लिए वो एसेट्स होते हैं। अच्छा एक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं? अनपेड एक्सपेंस लायबिलिटी, तो दूसरे के लिए वो क्या बन जाएगा? एक्रूड इनकम बन जाएगी, रिसीवेबल एसेट हो जाएंगे। तो एक्यूरेट इनकम क्या होगी कि आपने ये सर्विस प्रोवाइड कर दी है और आपको पैसे नहीं मिले तो वो आपके लिए क्या होगी? एक्यूरेट इनकम। और इसकी नेचर क्या होगी? एसेट। प्रीपेड इनकम क्या होगी? अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? जो आपने एडवांस में पेमेंट किए ना, और नेचर क्या होगी? एसेट। अब दूसरे के लिए वो क्या बन जाएगी? प्रीपेड इनकम लायबिलिटी। ठीक है, तो प्रीपेड इनकम क्या होगी कि आपने कैश रिसीव कर लिया है लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं। ठीक है, जैसे टीएसए ने आपसे ट्यूशन फीस ली एडवांस में, अब वो टीएसए के लिए वो क्या है? प्रीपेड इनकम लायबिलिटी है। सही। और अगर कोई स्टूडेंट है सपोज आप में से जिसने अब तक फीस पे ना की हो तो वो टीएसए के लिए क्या बन जाएगी? एक्रियोड इनकम एसेट। प्रीपेड इनकम क्या है कि आपने कैश रिसीव कर लिया है लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं, तो उसकी नेचर क्या होगी? लायबिलिटी। और साथ में मैंने एंट्रीज भी लिख दी है इसकी, ये कॉपी कर लें। अच्छा जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, क्वेश्चंस भाई दो तरह से आते हैं, जिसमें एक्सपेंस वाले क्वेश्चंस पे एक जिसमें टी अकाउंट बनेगा और दूसरी टाइप जिसमें हम टाइमलाइन बनाएंगे कैलकुलेशन। तो क्वेश्चंस उसी तरह से आएंगे, आप क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व, सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने सॉल्व किए थे, आप 18 से स्टार्ट करते हैं। एटीन से स्टार्ट करते हैं। क्या नेटी ने जॉन सबलेट, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोले थे जॉन सबलेट पार्ट ऑफ हिज फैक्ट्री स्पेस फॉर अ क्वार्टरली रेंटल ऑफ रेंटल इन एडवांस ऑफ 900 ऑन 1st मार्च। द पेमेंट्स आर ड्यू ऑन 1st मार्च, 1st जून, 1st सितंबर एंड 1st दिसंबर ईच ईयर एंड अब देखिए राइट अप रेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अच्छा इसमें एक टी अकाउंट, अच्छा ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन से और टी अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, दोनों तरह से करवा देते हैं। इसने रेंट पे कब दी है स्पेस? मार्च में। ईयर एंड कब हो रहा है? अप्रैल। और रेंट रिसीव कब हो रहा है इसको? 1st मार्च, 1st जून, 1st सितंबर, 1st दिसंबर। पहले कैलकुलेशन से कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैश कब मिला? 900 1st मार्च को, ये हो जाएगा मार्च से, मार्च अप्रैल मई तक का ना। सेकेंड रेंट रिसीव हो रहा है 1st जून को, मार्च 1, और ये हो जाएगा जून 1। के बाद थर्ड रेंट रिसीव हुआ 1st सितंबर, सितंबर 900। तो लास्ट रेंट रिसीव होगा इसको कब? 1st दिसंबर को, दिसंबर 1, 900। अब ईयर एंड कब हो रहे हैं? ईयर एंड कब हो रहा है इसका?
ईयर एंड है बताओ भाई। 31 दिसंबर, ये जो लास्ट रेंट रिसीव हुआ ये होगा दिसंबर जनवरी फरवरी का, तो इसमें जनवरी फरवरी 2 महीने का प्रीपेड हो जाएगा ना। तो अब हमें रेंट इनकम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी कि 900 × 1/3 बनेगा, ये होगा सिर्फ दिसंबर का रेंट ना। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, चारों को ऐड कर लेते हैं, 3000 रेंट इनकम हो जाएगी हमारी। और इसमें अब प्रीपेड इनकम कितनी होगी, दिसंबर 31 प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम हो जाएगी आपकी 900 × 2/3, 600 प्रीपेड रेंट इनकम हो जाएगी। देखिए लास्ट हमें रेंट रिसीव हुआ ये है दिसंबर जनवरी फरवरी का, दिसंबर 1 महीने का हमने इसमें ऐड कर लिया, ये तो रेंट इनकम हो गई, बाकी जनवरी फरवरी 2 मंथ्स का प्रीपेड है तो वो जाएगा 600। प्रीपेड इनकम लायबिलिटी हो, नहीं समझ आए, कॉपी कर लें फिर इसको टी अकाउंट बनाकर भी सॉल्व कर लें। अच्छा अब यही क्वेश्चन ई अकाउंट बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, रेंट इनकम का अकाउंट बनाएंगे। जब रेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, रेंट रिसीव हो रहा है, कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट ना। तो यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 मार्च को रेंट रिसीव हुआ, तो कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। अच्छा नेक्स्ट रेंट हमें मिलेगा 1 जून को, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड रेंट रिसीव हुआ था सितंबर 1 को, 900 क्रेडिट हो गए। और फोर्थ रेंट रिसीव हो रहा है दिसंबर 31 को, तो 900 क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा अब इस 900 में से जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स का रेंट प्रीपेड है ना, प्रीपेड रेंट, अब लिखेंगे 900 × 2/3, 600 हो जाएगा प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट की नेचर क्या है, लायबिलिटी, इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इनकम क्रेडिट, और इनकम इनकम डेबिट हो जाएगी ना, इनकम कम होगी और लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो रेंट इनकम डेबिट और प्रीपेड इनकम क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो 600 से एंट्री हो जाएगी, रेंट इनकम डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अब यहाँ पे इसको डेबिट साइड पे लिख लेते हैं, 600 डेबिट, और यही इसका बन जाएगा कैरेट डाउन ना, दिसंबर 30। अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3600, 3600 माइनस करेंगे 600 तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3000, और ये होगा हमारे करंट ईयर की रेंट इनकम, जिसे हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो कैरेट डाउन ये नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बन जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट इनकम इंक्लूड करेंगे 3000 से, और प्रीपेड इनकम यानी कि इसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे 600 से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बिजनेस अर्न्स बैंक इंटरेस्ट ऑफ 300 पर मंथ। अच्छा 3000 बैंक इंटरेस्ट इनकम हैज बीन रिसीव्ड इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2005, व्हाट इज द ईयर एंड एसेट एंड व्हाट इज द बैंक इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर। ओके इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 300 पर मंथ, ठीक है। साल का कितना हो जाएगा, 300 पर मंथ है, साल के आपका इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी, इंटरेस्ट इनकम 300 पर मंथ है इंटू 12,
ये हो जाएंगे 3600। और अब रिसीव कितने हुआ? 3000 रिसीव हुए, तो बाकी 600 एक्रीड हो जाएगी, रिसीवेबल होंगे ना आपका। एक्रीड इंटरेस्ट, एक्रीड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3600 इनकम है, रिसीव हमने किए 3000, तो एक्रीड इनकम होगी आपकी 600 हो जाएगी। कंप्लीट? बस खत्म। ये तो खैर आसान था क्वेश्चन है, दो बहुत इजी। हाँ तो एक्रीड इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी, सुना लिया था। ओके क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा इसमें वो एक टाइमलाइन बनेगी, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। काम आती है कंपनी सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस एंड एंड इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008। रेंट रिसीवेबल वॉज, अब ये अंटिल जून 30 2008 8400 पर ईयर, और फ्रॉम जुलाई 2008 12000 पर ईयर हो गया थी। अच्छा रेंट वॉज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 1 अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर ईच। अच्छा इसमें रेंट रिसीव हो रहा है क्वार्टरली। व्हाट अमाउंट शुड अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही चल रहा है। वो एक टाइमलाइन बनेगी, उसमें देखिए अब ईयर एंड कब हो रहे हैं, नवंबर 30, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? नवंबर 30 पे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? नवंबर 30 के बाद क्या डेट आती है? 1 दिसंबर। ईयर स्टार्ट हुआ होगा इसका दिसंबर 1 और एंड हो रहा है नवंबर 30। ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया इसका। ओके अब पेमेंट्स का, अच्छा रेंट कितना था जून तक? इसका रेंट 8400 पर ईयर और जुलाई से हो गया 12000, तो इट मीन्स के लास्ट ईयर जुलाई 1 से इसका रेंट कितना था उस वक्त? पहले 8400 करंट ईयर के जून तक ना, फिर जो जुलाई से रेंट हो गया इसका 12000 नेक्स्ट ईयर के जून तक, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट की डेट्स आ गई। अब हमें चाहिए जो दिसंबर से लेकर नवंबर तक का रेंट इनकम, सही। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दिसंबर से लेके जून तक 7 मंथ्स का रेंट इनकम रिकॉर्ड हम कैलकुलेट करेंगे 8400 से, और फिर जुलाई से लेके नवंबर तक 5 मंथ्स की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे 12000 से ना, सही। तब यहां लिख लेते हैं रेंट इनकम, तो दिसंबर से लेके जून तक कितने मंथ हुए? दिसंबर से जून 7, दिसंबर से जून, ठीक है, फिर जुलाई से नवंबर तक 5 मंथ होंगे। तो ये आंसर बता दें क्या रहे हैं? 4900 प्लस 5000, तो रेंट इनकम हो जाएगी हमारी टोटल कितनी? 9900 हो गए रेंट इनकम। अब एक्रीड या प्रीपेड, तब देखिए इसको रेंट रिसीव हो रहा है क्वार्टरली, जुलाई अप्रैल जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर में ना। अच्छा ईयर एंड कब हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ नवंबर में, तो लास्ट रेंट कब रिसीव हुआ होगा? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर। तो ये होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट, तो अक्टूबर नवंबर ईयर एंड हुआ, दिसंबर 1 महीने का रेंट प्रीपेड हो जाएगा, तो 1 महीने का रेंट प्रीपेड होगा। प्रीपेड इनकम होगी हमारी, अब डायरेक्ट हम 12000 से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/12, 1 मंथ का रेंट आ जाएगा 1000। इसको आप क्वार्टर में भी चेंज कर सकते हैं, पहले इस तरह कर लें कि 12000 पर ईयर है, से आप पर क्वार्टर पहले कैलकुलेट कर लें कितना बनेगा, 3000 पर क्वार्टर, और फिर 1 मंथ के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 1000 प्रीपेड रेंट इनकम हो जाएगी। तो रेंट इनकम हो गई 9900 और प्रीपेड रेंट होगा
1,000। क्वेश्चन नंबर 21, सो जेन हैज बीन लेटिंग वन ऑफ हर प्रॉपर्टीज टू अ टेनेंट फॉर मेनी इयर्स, शी रिसीव्स रेंट क्वार्टरली इन एरियर्स। अच्छा लिखा शी रिसीव्स रेंट क्वार्टरली इन एरियर्स, मतलब बाद में। अच्छा एट 30 नवंबर शी हैड अ बैलेंस ऑफ रेंट इन एरियर्स, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। टोटल अमाउंट रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसके बाद 30 नवंबर रेंट स्टिल इन एरियर्स है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अच्छा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम, राइट, तो ये अकाउंट बना लेते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं फॉर्मेट, तो भी रेंट अकाउंट बनेगा। द ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ, रेंट 30 नवंबर 8 एट द बैलेंस ऑफ रेंट इन एरियर्स, एरियर्स में ये एक्रीड हो गया, एक्रीड रेंट रिसीवेबल तो एसेट होगा ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड 27,600। द टोटल अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसका एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, क्रेडिट में लिखेंगे 7,18,050, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कैश। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है 30 नवंबर 2009, देयर वाज स्टिल रेंट इन एरियर्स 31,800, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 31,000। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 74,98,50। फिर से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दें, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और 75,000। ये होगी हमारी करंट ईयर की रेंट इनकम, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करें। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा मैनी रिसीव्स रेंट क्वार्टरली इन एडवांस, हर फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 अप्रैल ईच ईयर, शी हैज अ बैलेंस ऑन डेफर्ड प्रीपेड इनकम एट 1 मई 2009 ऑफ 200, रेंट इज रिसीव्ड एज फॉलोज, ठीक है, अकाउंट बनाते हैं। रेंट का डी अकाउंट बनेगा क्वेश्चन 20। प्रीपेड रेंट कितना है, 100, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो ओपन बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। जिसके बाद रेंट हमने रिसीव किया है 1 जून को रिसीव कर रहे हैं 600, यहाँ लिखेंगे जून 1 600। के बाद 1 सितंबर को रेंट रिसीव हुआ 450, 1 दिसंबर को रेंट रिसीव हो रहा है 500, और 1 मार्च को रेंट रिसीव हुआ 600। तब जो लास्ट रेंट हमें रिसीव हो रहा है ये कब तक का होगा, मार्च 31 मई तक का है ना, मार्च अप्रैल मई, और ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल, और रेंट हम रिसीव कर चुके हैं 31 मई तक का, तो 1 महीने का रेंट प्रीपेड हो जाएगा ना, तो 1 मंथ की प्रीपेड इनकम, प्रीपेड रेंट 600 × 1/3, तो सॉरी सॉरी प्रीपेड नेचर क्या है, लाइबिलिटी, ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे ना, 200 डेबिट हो जाएंगे। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल 2,350, माइनस करेंगे 200,
2150 बैलेंसिंग फिगर, और ये होगी हमारी करंट ईयर की रेंट इनकम, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दें, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 23, अ कंपनी सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस एकोमोडेशन इन द ईयर एंडेड 30 जून 2005। कैश रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स वॉज 83,700, ये तो रिसीव हुआ है। डिटेल्स ऑफ रेंट इन एरियर्स एंड इन एडवांस एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर वर एज फॉलोज। अच्छी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हमें, फॉर रेंट रिसीव बता दिया है। ऑल एरियर्स ऑफ रेंट आर सब्सिक्वेंटली रिसीव। व्हाट फिगर शुड बी इंक्लूडेड इन फॉर रेंटल इनकम इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड टाइप। ठीक, तो भाई टी अकाउंट बनेगा इसमें, टी अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें दिया हुआ आपको पहले ओपनिंग बैलेंस है, रेंट इन एरियर्स कितना है 3,800, इसकी नेचर क्या होगी, रेंट इन एरियर्स मतलब एक्रियूड रेंट, एक्रियूड इनकम, एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा 3,800। जिसके बाद है रेंट इन एडवांस, ये प्रीपेड इनकम है, लायबिलिटी तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर आएगा। इसके बाद रेंट इन एरियर्स का क्लोजिंग है 4,700, ये क्रेडिट पर आ जाएगा। और रेंट इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 3,000, ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। ये तो हो गया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्लियर। अब रेंट रिसीव कितना हुआ 83,700, उसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। 83,700 से रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएंगी। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 90,800। डेबिट साइड माइनस करें इसमें से 84,000, बैलेंसिंग फिगर आएगी 84,000। 84,000 होगी हमारी करंट ईयर की रेंटल इनकम, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इंक्लूड कर लें, कॉपी कर लें। 84। क्वेश्चन नंबर 24 में कंपनी ओन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर रेंटेड टू टेनेंट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। अच्छा, रेंट इन एरियर्स है, रेंट इन एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स इन द ईयर जून, ईयर एंडेड 30 जून वॉज 8,34,600, रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, वो ऑल रेंट आर इन एरियर्स आर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड हो गया। ठीक, अब सिंपल टी अकाउंट बनेगा, सेम इसी तरह होगा 23 की तरह, 23 की तरह सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पहले रेंट इन एडवांस मींस प्रीपेड, इसके इन नेचर क्या होगी, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा 1,34,600, और इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे आ जाएगा 1,44,400। इसके बाद रेंट इन एरियर्स मीन्स एक्रूड रेंट, इसकी नेचर होगी एसेट, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट। डेबिट हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस है 8,700, ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब रेंट रिसीव कितना हुआ 8,34,600, एंट्री होती है कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कैश। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आ गया 9,77,900, इसमें से डेबिट साइड माइनस करें
बैलेंसिंग फिगर आएगी कितनी? 828-7000, राइट। ये होगी हमारी करंट ईयर की रेंटल इनकम, जिसे हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, कॉपी कर लें। अच्छा, इसके बाद ये इनकम अकाउंट का एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट कॉपी कर लें, काम आएगा आपके। ये एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लिया था ना, तो कॉपी होगी। इसी तरह आप इनकम अकाउंट है। अच्छा, आप प्रीपेड एक्यूड इनकम, नेचर क्या है? एसेट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट। प्रीपेड इनकम की नेचर क्या है? प्रीपेड इनकम की नेचर लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट पे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे। जब रेंट रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, एक्सेप्ट आएंगी क्रेडिट पे। अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस फिगर आएगी आपके पास, और ये बन जाएगी आपकी टोटल इनकम फॉर द ईयर। ये इनकम अकाउंट का फॉर्मेट है, कॉपी कर लें।